So a very good morning everyone and welcome back to my channel. I hope all of you guys are doing extremely well. तो आज है न्यू ब्लॉग और न्यू दिन. अच्छा तो कहीं पे जाना है, उससे पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि मुझे वॉक की तरफ से जो है वो ये दो प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं. तो इसमें से एक है ये मसाजर, जो कि हम जब शैम्पू कंडीशनर करते हैं उस वक्त जो है इससे मसाज कर सकते हैं. उसकी वजह से जो है जो शैम्पू कंडीशनर है वो अपने स्काल्प तक अच्छे से लगता है और काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है. इसको मैंने आज भी और अभी यूज़ किया है और देख सकते हो जो मेरे बाल, मतलब इतना भी आपको लोगों को डिफरेंस नहीं नज़र आएगा लेकिन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं. मुझे तो डिफरेंस नज़र आया है, तो आने वाले दिनों में जो ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा तब भी आप लोगों को पता चल जाएगा. और ये है दूसरा एलोवेरा फोमिंग फेस वॉश, देख सकते हो. तो ये भी मुझे वॉ नहीं भेजा है, तो ये भी ठीक ठाक है. मतलब जितना जो इसके पहले वाला मैं यूज़ कर रहा था, जो इसको जिसको रबर दिया था वो वाला काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि उसमें जो है हम फोम निकाल के सीधा रफ़ कर सकते थे, उससे जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता था स्किन. लेकिन इसमें जो है, इसमें देख सकते हो, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, इसमें जो है वो ब्रश वगैरह कुछ दिया नहीं, इसको सिर्फ यहाँ से जो है वो फोम निकलता है और वो फोम में सीधा हमें रफ़ करना है अपनी बॉडी पे और बस वैसे ही वॉश कर लेना है उसके बाद. तो इसके लिए मुझे इससे अच्छा वो पहले वाला लगा. तो अगर आपको भी लेना है तो ले सकते हो, सिर्फ वो जो था वो पहले एप्पल साइडर विनेगर वाला था और ये जो है मेरा एलोवेरा वाला है. तो ठीक है इसका, लेकिन जो फ्रेगनेंस वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है, अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है. तो बस अभी मुझे कहीं पे निकलना है, तो चलते हैं और आप लोगों को आगे पता चली जाएगा मैं कहाँ पे जा रहा हूँ. सो अभी तो हम लोग निकल चुके हैं पुणे जाने के लिए. जैसे कि पता है आप लोगों को, कई दिनों से जो है मम्मी के ट्रीटमेंट चालू है, तो उसी के लिए आज भी निकल गए. तो बस अभी कुछ नहीं है इसके लिए और कुछ दिखा भी नहीं सकता, कि हर बार वही दिखा के आप लोगों को बोर नहीं कराना है. तो चलते हैं और सीधा, कुछ इंटरेस्टिंग है तभी मिलता है. सो इस बार जो है हम लोगों ने एक थोड़ा सा अलग रूट लिया है, क्योंकि हर बार जिस रूट से जाते हैं वो वाया नासिक होता है, लेकिन इस बार जो है वो चांदवड़ से ही मैंने एक अंदर से एक रास्ता है. मैंने कई सारे लोगों से सुना था इस रास्ते के बारे में कि रास्ता सिंगल है लेकिन रास्ता अच्छा है. तो इसके लिए मैंने इस बार यहाँ से ट्राई किया कि चलो देखते हैं, कि एक बार जाके देखते हैं कि कैसा है रोड क्या है, तो पता भी चल जाएगा. तो अब तक तो रास्ता काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं. जो रूट मैंने लिया है वो रूट तो मैंने अभी साइड में स्क्रीन पे डाल लिया है, देख रहे हो आप लोग जैसे कि. तो बस काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं और चलो चलते आगे. शायद मैंने सुना था कि आगे एक रेलवे क्रॉसिंग में आने वाला है, तो अभी देखते हैं, क्या पता अगर आ गया तो आप लोगों को डेफिनेटली दिखा दूंगा. तो अभी इस रोड से जो है हम लोग सीधा संगमनेर में निकले हैं, तो अभी बस सिटी में है, तो यहाँ से जो अभी आगे हाईवे लग जाएगा अपना. लेकिन मैं कहूँगा कि यार रास्ता इतना भी अच्छा नहीं है कि आ सकते हो, जो अंदर वाला रास्ता था उसकी बारे में बात कर रहा हूँ मैं. तो मतलब 50-50 है, आ भी सकते हो ना ही भी आ सकते हो, क्योंकि मुझे, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मुझे तो इतना ज़्यादा अच्छा पसंद ही नहीं आया वो. इसके बाद नहीं आऊँगा मैं इस रास्ते से, बट चलो ठीक है, कुछ अलग सा एक्सपीरियंस था बॉस. तो अभी हम फाइनली अपने रास्ते पे लग चुके हैं, अपना 4-lane हाईवे जो कि काफ़ी बढ़िया है, इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है. चलो अभी सीधा एक जगह पे खाना खाता हूँ और उसके बाद सीधा पुणे में मिलता हूँ आप लोगों को. सो गाइस मैं जो है 5:30 बजे मतलब 5:30 को आ गया था घर पे, और एक काम है मुझे वो अभी करना है. अभी बजे है 8 बजे अभी, और वो अभी करना है क्योंकि कल जो है वो मम्मी के लोग हॉस्पिटल में जाना है, तो वो काम अभी करने के लिए जा रहा हूँ. तो चलो चलते और बताते आप लोगों को क्या काम करने जा रहा हूँ. सो गाइस अभी तो मैं हूँ चांदनी चौक में, और आप में से कई सारे लोगों को पता होगा और किसी को पता भी नहीं होगा,
तो चांदनी चौक से जो है वो वारजी की तरफ जाने के लिए जो ये रास्ता था, तो ये रास्ता भी पूरी तरह से बंद कर दिया है इधर से। तो अभी वहाँ पे जो जाना है तो उसके लिए है यहाँ से रास्ता बनाया है इन्होंने, पूरा घूम के बनाया है। मतलब यहाँ पे नीचे से एक रास्ता बनाया है, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से जो है वो हमें लेफ्ट लेना पड़ता है और फिर जो है अपना हाईवे पे लगना पड़ता है, बेंगलोर मुंबई हाईवे। तो यहाँ से बनाया है अभी इन्होंने, इस तरह से यू टर्न लेना पड़ता है और फिर इस वाले हाईवे पे हम लोग लग सकते हैं। देख सकते हो कि अभी जो है मैं हाईवे पे लग चुका हूँ। सो इस तरह से अभी इन्होंने किया है, पहले वाला रास्ता क्यों बंद किया क्या किया पता नहीं, लेकिन इस तरह से अभी इन्होंने कर दिया है। और ऊपर जाने का जो रास्ता है वो उस साइड में है, वो वैसे का वैसा ही है, सिर्फ इस साइड वाला ही उन्होंने बंद कर दिया है। One hour later. So guys, अभी तो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, जहाँ पे मेरा एक काम था वो काम कंप्लीट कर लिया मैंने। तो एक छोटी सी मीटिंग थी तो मीटिंग खत्म करके अभी मैं निकला हूँ। और जो काम था मेरा वो एक पार्सल कलेक्ट करना था, पार्सल कलेक्ट करना था मतलब जहाँ पे मीटिंग थी वहीं से मुझे एक पार्सल मिलने वाला था, तो वो ले लिया मैंने। और अभी निकल चुका हूँ, अपने हाईवे पे लग चुका हूँ। तो अभी फटाफट घर पे जाता हूँ क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, घर पे जाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली जो पार्सल है उसमें क्या है। द नेक्स्ट डे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो कल रात में जो घर पे आया उसके बाद मुझे अनबॉक्सिंग करनी थी लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि यार मैंने खाना खाया और उसके बाद मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। तो क्योंकि मैं पूरा दिन जो है ड्राइविंग करके आया था, इसकी वजह से थकान हो गई थी बहुत कुछ। तो अभी उठा हूँ और अभी तक तो मैं फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ। और अभी तो कितने बज गए, अभी तो 10:43 हो गए ऑलमोस्ट। तो अभी तक मैंने नहाया नहीं है, तो उसके पहले मैं इसको अभी अनबॉक्स करता हूँ। मेरे सामने बॉक्स पड़ा है ये वाला, तो इसको मैं अभी अनबॉक्स करता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या है और कैसा आया है। तो चलो इसको फटाफट खोलते हैं अभी। तो इसके अंदर है ये जो है हेडलाइट प्रोटेक्टर है एडवेंचर 390 का, जो कि येलो फिल्टर के साथ में है। तो इसको साइड में रखते हैं। और इसके अंदर है एक ग्रैंड पिस्टॉप कंपनी का मोबाइल होल्डर, जो कि अपनी गाड़ी को यार काफ़ी अच्छा दिखने भी वाला है और यूज़फुल भी होने वाला है। और इसके अंदर और एक बॉक्स है, तो इसको भी अभी मैं ओपन करता हूँ। और ये है मोटो IOI की तरफ से इनका जो खुद का है ये बना हुआ GPS माउंट। तो ये भी अपने बाइक के लिए काफ़ी यूजफुल है, ये लगाने के बाद ही जो अपना ये मोबाइल होल्डर है ये इसके ऊपर अच्छे से फिट होने वाला है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल इसको नहीं यूज़ कर पाऊँगा क्योंकि जो अपनी बाइक है वो तो घर पे धुले में है इसी की वजह से। तो घर पे जाने के बाद तो इसको डेफिनेटली इसको इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो ये जो पूरा बॉक्स पैकिंग है ये मुझे आया है मोटो IOI की तरफ से। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो खुद मैन्युफैक्चर भी करते हैं और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे कंपनियों के साथ उन्होंने टाइप किया है और उनके प्रोडक्ट्स भी इनके वेबसाइट पे मिलते हैं। अगर आपको देखना है, चेकआउट करना है, कुछ लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका जो है वेबसाइट दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके डेफिनेटली चेक कर सकते हो और कुछ पसंद आया तो डेफिनेटली ले सकते हो। तो अभी ये तो ये इन्होंने खुद मैन्युफैक्चर किया है, तो इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, जो मटेरियल यूज़ किया है वो काफ़ी बढ़िया है। सो आई होप कि आपको मेरा शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग अच्छा लगा है और यहाँ तक देख ही लाए। सो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो ये लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर देना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। सो गाइस, इस वाले ब्लॉग को तो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल द नेक्स्ट, बाय बाय।